और आप लोगों का एक और शुक्रिया कि कोविड के चलते आप लोगों ने यू नो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए हमारी मजबूरी को समझा कि हमें पता है कि आप में बहुत और लोग इस के साथ जुड़ना चाहते थे, बट हमारी उन सबसे यही गुजारिश रही है आज के दिन कि आप हमारे साथ वर्चुअली जुड़िए, आप हमारे साथ इन स्पिरिट एंड इन कीपिंग विद दी मोटिव कि हम ये क्यों कर रहे हैं उसके साथ जुड़िए, बट लाइव इवेंट में हम 25 से ज़्यादा लोगों को क्योंकि नहीं अपने साथ कर सकते थे, तो इसीलिए हम आपसे उस चीज़ के लिए माजरत भी चाहते हैं। Why is traffic so dear? हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया नहीं होगा या किसी दोस्त किसी रिश्तेदार को नहीं। आई ऑलवेज रिमेंबर कि मैं पहले दिन जब जम्मू कश्मीर में मैंने ज्वाइन किया था तो हमें एग्जाम दे के हम आ जाते हैं स्टूडेंट लाइफ के बाद, बट फील्ड के बारे में पुलिसिंग के बारे में हम यहीं आके सीखते हैं। तो हमारी एक प्रोबेशन ट्रेनिंग होता है जिसमें पहला दिन जो मेरा था वो जम्मू में गांधीनगर थाने में था। आधा ही घंटा हुआ था जब मैं सोची थी भाई चल ये पुलिसिंग तो अच्छी है, लोग आते हैं मिलते हैं अपनी बात बताते हैं आप उनका सोल्यूशन कर देते हैं। व्हेन आई हैड टू गो रश ऑन द रोड और वहाँ पे एक 22-23 साल का बच्चा था, वो बच्चा ही है फॉर हिज फैमिली अभी पढ़ाई कर रहा था, एक इकलौता बच्चा अपने फैमिली का एंड रोड एक्सीडेंट में डाइड। रीजन हेलमेट नहीं पहना हुआ था। आप हेलमेट पहन के भी आपको रोड पे बहुत सारे डेंजर्स हैं, बट अगर आपने हेलमेट पहना है सीट बेल्ट पहना है तो आपकी रिस्क मिनिमाइज हो जाता है करीबन 80% तक। तो आई थिंक उतना रिस्क मिनिमाइजेशन तो हम कर ही सकते हैं ना। हम बैंक में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं 10 बार देखते हैं कि जी रिटर्न कितना आएगा, इस स्कीम में कितना है, उस स्कीम में कितना है, वो 0.1% 0.2% के लिए हम कितनी जद्दोजहद करते हैं। तो यहाँ तो इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, आपकी ज़िंदगी को ये चीज़ अफेक्ट करती है। उधमपुर के लोगों से मेरा ये खास निवेदन है कि क्योंकि हम एक हाईवे पे हैं, हमारा सिर्फ ज़िले का ट्रैफिक नहीं है, हम सारी स्टेट का ट्रैफिक देखते हैं, सारी यूनियन टेरिटरी का ट्रैफिक देखते हैं, पूरी कंट्री का ट्रैफिक देखते हैं हम जो यहाँ से निकलती हैं और NH-44 पर ट्रैवल करती हैं, तो इसीलिए हमारा इंटरफेस में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है एंड एज अ रिजल्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मॉरल ड्यूटी निभाई गई, क्या कहेंगे सामने की तरफ कैमरे जी? कोविड के चलते एक तो हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करा हमने कि इवेंट हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था बट हम बहुत सारे लोगों को नहीं जोड़ पाए क्योंकि हमारे पे भी वही 25 लोगों का जो कंडीशन अप्लाई करता है, वी ट्राइड बट द मैसेज हैज़ गॉन फार आउटर एंड वाइडर। उसमें हम लोगों को थैंक यू बोलते हैं कि इस नोबल आई वुड से इनिशिएटिव में वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा ये चीज़ है कि ऑफन वी आर सीन ओनली एज एनफोर्सर्स, जहाँ लोगों को लगता है कि हम सिर्फ चालान काटते हैं या लोगों को सिर्फ हम एक ट्रैफिक वीक में ये अवेयरनेस करते हैं, तो हमने ये वी डिसाइडेड दैट लेट्स ट्राई एंड इंश्योर कि वो चीज़ सिर्फ एक हफ्ते के लिए या एक स्पेशल इवेंट्स के लिए नहीं, वील ट्राई एंड इंश्योर कि ये थ्रू आउट हम कुछ इवेंट्स करते रहें। पर्पस एक ही है कि अवेयरनेस रेज करना है हमें, पर्पस एक ही है कि जितने मैक्सिमम लोगों को हम अपने साथ जोड़ पाएँ, जितने मैक्सिमम लोगों में हम ये मैसेज इनकलकेट कर पाएँ दैट ट्रैफिक सेफ्टी अपने लिए है, आप किसी और के लिए उतना इट इज़ नॉट दैट यू आर डूइंग अ फेवर टू समबडी, आप अपने आप को सेफ करें सबसे पहले उसके बाद किसी और के लिए है। तो ये आज एक हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है और बट क्योंकि हम कोविड से ये पिछले 1.5 साल से जूझ रहे हैं तो कोविड हमारा एक इंटेग्रल पार्ट बन जाता है, जिसके अंदर हमारे साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ी हैं एंड वी हैव बिन डिस्ट्रीब्यूटिंग सैनिटाइजर्स एंड मास्क एंड बेसिक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एज वेल, जो हम पिछले कई महीने से कर रहे हैं उसको भी हमने आज कंटिन्यू किया। पुलिस प्रशासन द्वारा बसेज हैं वो गुजर हटाई जाती हैं, जो ट्रैफिक जो है वहाँ पे नहीं लगती है, क्या कदम पुलिस प्रशासन उठाने जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में जो सलाखे चौक है काफ़ी व्यस्त होकर काफ़ी मेट्रो वहाँ पे स्टैंड बन चुका है उनको हटाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? देखिए हमारे को लोगों को आवाजाही के लिए सहूलियत भी देनी है और एट द सेम टाइम हमारे को ये एक चैलेंज जो है कि ये जितनी भी सड़कें बनी हुई हैं जो टाउन प्लानिंग है ये बहुत पहले की है एंड द पेस एट विच वी आर ग्रोइंग, जो हमारी ग्रोथ ऑफ कमर्शियल वो है वो बहुत फास्ट है, तो इसलिए हमारे को ये दोनों चीज़ों को पैरेलल करके रख के चलना पड़ता है। एट द कॉस्ट ऑफ वन हम दूसरे को नहीं कर सकते हैं, हमें लोगों को ज़रूर ये सड़क का जो राइट ऑफ वे है वो देना है एंड इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपका जो स्टॉपेज है मिनिमाइज़ कर पाएँ ताकि आपको आवाजाही के लिए मैक्सिमम पॉसिबल जो है हम रोड अवेलेबिलिटी कर पाएँ। लवा लो जी वीजा फैक्ट्री आई।
भी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।